व्यवस्थित करने के लिए पार्षदों ने राजनांदगांव कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बारिश में जलभराव की स्थिति को देखते हुए युवा कांग्रेस और NSUI ने अपने ज्ञापन में कलेक्टर साहब से जिला अस्पताल वाले एरिया में नौका संचालित करने की मांग की। पार्षद ऋषि शास्त्री और राजेश चंपू गुप्ता ने जिला अस्पताल राजीव नगर सहित इंद्रनगर में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या को लेकर जिलाधीश से मुलाकात की और समस्या से अवगत कराया। वहीं पार्षद ऋषि शास्त्री ने बताया कि लगातार बरसात के दिनों में आधे घंटे पानी बरसने पर जिला अस्पताल राजीव नगर और इंद्रनगर की सड़कों में पानी भर जाता है। साथ ही रहवासियों एवं मरीज सहित डॉक्टर को भी इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। पार्षद ने बताया कि पूर्व में भी उनके कई दफे संबंधित अधिकारी को शिकायत की है, बावजूद आज भी समस्या का हल नहीं किया गया, जिससे नाराज होकर हमने नगर निगम क्षेत्र में जहां भी जलभराव होता है वहां नौका की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। साथ ही पार्षद राजेश गुप्ता ने बताया कि हॉस्पिटल कॉलोनी एवं इंद्रनगर में 4 दिनों से रोजाना घरों के अंदर बारिश का पानी प्रवेश हो जाता है, जिसका खामियाजा आज आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अगर 7 दिनों में समस्या नहीं सुलझी तो वे अनशन में बैठने को तैयार हैं, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। चलिए क्रूज, ये पानी में तैरने वाला वो यंत्र है जो बड़े पैमाने पे लोगों को पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखता है। उसमें लोग अपनी अपनी सुख सुविधा के अनुसार उसमें बैठते हैं और वो मजे लेते हैं जल क्रीड़ा का। तो उन चीजों को यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव के रानी सागर में क्रूज की व्यवस्था की थी और जो कुछ ही महीनों में दम तोड़ दी योजना, या ये कह सकते कि वो ना नाव दिखती और ना ही वो मजे लेने वाली दिखती, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा कि इसकी लोगों की यहाँ पे चाहत बहुत थी कि वहाँ क्रूज में बैठे और केक काटे, लेकिन महंगाई इतनी होगी तो उसमें लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, यानी कि उसको जेब का खर्च भारी पड़ गया होगा। लेकिन इस शौक को पूरा करने जा रहे हैं राजनांदगांव के वो चुनिंदा लोग जो आपके फ्री में निःशुल्क नाव में सवार होके आप शहर भ्रमण कर सकते हैं या फिर इनके वार्ड से लेके जिला परिसर में जा सकते हैं। तो ये मामला क्या है ये बताने जा रहे हैं। लगता होगा आपके कि ऐसे हंसने वाली बात है या मजाक के लहजे में, लेकिन मजाक नहीं है भैया। ये ज्ञापन सौंपा गया है, हम कलेक्टर परिसर के ठीक सामने खड़े हैं और ये ज्ञापन बकायदा कलेक्टर ऑफिस में आकर पार्षदों ने NSUI और यूथ कांग्रेस ने दिया है। तो मेरे साथ 2 पार्षद है, दोनों पार्षद से चर्चा होती कि भाई लोग कैसे नाव का विहार कराएंगे और क्या लोगों के मतलब इसमें नौका विहार में सवार होंगे, पैसा लेंगे कि फोकट में करवा देंगे, आखिर मामला क्या, इनसे बात कर रहे हैं। बताइए क्रूज जैसे कोई आज यूथ कांग्रेस और NSUI संयुक्त रूप से हमारे साथ आई हुई थी। यूथ कांग्रेस NSUI ने मांग की है कि जिला अस्पताल परिसर जो कितने गंभीर विषय है कि आज पूरे शहर में जल भराव की स्थिति हो रही है, आधी घंटा पानी गिरता है तो चारों तरफ तालाब नजर आने लग गए हैं। तो जिला प्रशासन को हमने पहले ही अवगत करा चुका था कि इस तरीके की जल भराव की स्थिति ना बने, इस पर आप वैकल्पिक व्यवस्था करें और जनहानि ना हो, जनता को समस्या से ना जूझना पड़े, इसके लिए आप कोई व्यवस्था बनाएं। लेकिन जिला प्रशासन इस पर ध्यान न देते हुए गहरी नींद में था, लेकिन अब मानसून जाग गया है और इस तरीके से लोगों को जिला अस्पताल में आपने खुद देखा है, कल टांके लग रहे थे और मरीज पड़ा हुआ था और वहाँ तालाब भरा हुआ था। और इस तरीके से राजीव नगर में भी, इंदिरा नगर में भी, मैं राजीव नगर का पार्षद हूँ, लगातार घरों तक पानी पहुँच रहा है, जबकि जिला प्रशासन को पहले अवगत कराया गया था कि नाला जो है सकरा कर दिया गया है आगे, और हमारे जहाँ हमारा है निचली बस्ती है वहाँ 25 फीट नाला है, वो आगे जाके 7 फीट हो गया, लेकिन जिला प्रशासन ने ना ही वैकल्पिक व्यवस्था की ना ही उस अतिक्रमण को हटाया। अब लगातार जनता जूझ रही है, तो हमने मांग की है जिला प्रशासन से कि शहर में जहाँ जहाँ जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है और जनता को समस्या हो रही है वहाँ नाव संचालित की जाए और नाव के माध्यम से जनता को इस समस्या से बचने का उपाय मिल पाएगा। अच्छा, नाव की सैर भी होगी? बिल्कुल होगी। अब जब प्रशासन अपना कार्य नहीं कर पा रहा था, ये प्रशासन को आईना दिखाने का काम किया गया है एक तरीके से, कि जब प्रशासन अपना काम कर नहीं पा रहा है, गहरी नींद में सोया है, तो अब जनता तो परेशान होगी, तो जनप्रतिनिधि कोई ना कोई उपाय खोज के लाएंगे ही। तो हम ये सबसे सरल उपाय है कि जनता को नाव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं, ताकि उन्हें समस्या का सामना ना करना पड़े, ये तो व्यवस्था बना दे।
जल भराव की स्थिति आप क्या? जल भराव की स्थिति जो है, हमने शपथ ली 5 जनवरी को 2020 को, जैसी हमने शपथ ली, हमने 3 महीने के अंतर चंद्रकांत कौशिक जी कमिश्नर थे, उनको हमने लेटर लिखित में दिया कि ये जो नाला है जो निर्माण किया गया है ये समस्या परे है, नालियाँ नीचे है, नाला इतनी ऊपर है, तो नहर नाली है, नाला नहीं है। आज मेरे इंदिरा नगर की ये स्थिति है कि नालियाँ पूरा नीचे है, नाला ऊपर है। उससे होता यह है कि जो नालियों का रास्ता है नाले में पानी जाने का, नालियों का पानी नाले में जाता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा भी बारिश होती है तो नालियों के रास्ते से नाले का पानी बस्ती में आ जाता है। इस विषय में जब हमने देखा, पूरे पता किया, तो इसमें हमको ये समझ में आया है कि 2018 में एक टेंडर स्वीकृति हुआ था जो अरविंद शर्मा जी ने लिया था 1/3/2018 को, जो 30 करोड़ रुपए के लागत का था, जिसमें उस समय पार्षद पंजवानी जी थे। नाला का निर्माण हुआ, अधूरा रह गया, 93,78,400 रुपये का भुगतान हो चुका है, वो भी भुगतान 2 महीने के अंदर, और जो बाकी राशि है उसका आता पता नहीं है। जहाँ से नाला छूट गया था आज बोला जाता है कि वहाँ पर हमारी जमीन नहीं है। मेरे माता जी 2004 से लेकर 9 तक के पार्षद थी, मैंने उस नाले को गहराई से खुदवाया था और 32 फीट चौड़ा था, 10 फीट गहरा था। उस समय इंदिरा नगर बस्ती में हॉस्पिटल में कहीं भी पानी नहीं भरता था। आज बोला जा रहा है कि वहाँ हमारी जमीन नहीं है। जो हमारा रास्ता था, जो नाला का जैन स्कूल से लेकर बालोद रोड तक के जो नाला था, उसकी इतनी खुदाई होती, उस समय किसी भी ने आपत्ति नहीं किया कि हमारी जमीन नहीं है। और उसके बाद जो नाला छूट गया था जहाँ से, उसको शांतिलाल कोठारी, आशीष पटेल, मोटानी जी, इन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा करके 5 फीट की नाली बना दिया और उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ा कर दिया, जिससे आज ये स्थिति है कि थोड़े से बारिश में इंदिरा नगर बस्ती में कमर तक के पानी भर जाता है। ये समस्या अगर हल नहीं हुई 7 दिन के अंदर, हमको मजबूरी वश जनता के साथ में अनशन में बैठना पड़ेगा। चलिए, तो ये ड्रेनेज सिस्टम, पानी का भराव, जल स्तर को लेकर बात हुई थी, लेकिन इस बात में ये भी गौर करने वाली बात है कि अगर जल भराव की स्थिति ऐसी रही तो लोगों ने ज्ञापन दिया है कि राजनांदगांव शहर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग वार्ड में जहाँ जल भराव होता है, और वहाँ पे जहाँ ज्यादा जल भराव होता है वहाँ पे नौका विहार है, नाव से आने जाने की सुविधा कराई जाए। इस खबर के को लेकर मेरे साथ कविता है और मैं अखिलेश।